जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर माध्य के लिए संख्याएं लिखी हुई हैं। यहां पर इन संख्याओं को हम माध्य निकालेंगे, फिर मध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर। ठीक है, तो परिसर के लिए भी अलग संख्याएं हैं, बहुलक के लिए। यहां पर मैंने कुछ सेम संख्याएं ली हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। माध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, तो माध्य का एक फार्मूला होता है। जैसे कि आप औसत निकालते हैं, उसी तरीके से हम माध्य भी निकालते हैं। जैसे आप औसत निकालते हैं, अगर आपको औसत निकालना आता है तो माध्य आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं माध्य। ठीक है, माध्य बराबर, ठीक है, जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कुल कितनी संख्याएं हैं वो यहां पर आ जाएंगी, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। ठीक, तो चलिए यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग कर देंगे। यहां पर क्या क्या दिया गया है उनको लिख लेते हैं। देखिए, 2 + 5 + 4 + 3 + 8 + 8। ठीक है, तो ये हमने सारी संख्याओं को यहां पर प्लस के रूप में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहां पर क्या है, कुल संख्याएं। तो कितनी संख्याएं इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे बटे में 6। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, देखिए 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 30। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ने पर क्या आया है, 30 आया है, और बटे में यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा बराबर का निशान। अब इनको काट लीजिए, अगर कट रहा है तो देखिए 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 6 पंजे 30, 5 बार में कट गया। तो ये जो 5 आया है, ये 5 क्या है, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। इस प्रकार से आप भी माध्य को निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे मध्यिका किस प्रकार से निकाला जाता है। देखने में हमें सेम लगता है कि माध्य और मध्यिका एक ही होगा, लेकिन मध्यिका थोड़े अलग तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं और मध्यिका निकालना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मध्यिका के लिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो संख्याएं हैं इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम मध्यिका का सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मध्यिका। ठीक है, और जो संख्याएँ हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 5 4 3 6 8 और ये 2। ठीक है, तो अभी ये जो संख्या है ये हमें किसी भी रूप में यहाँ पर दी गई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर इसके बाद में एक और बार 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया। ठीक है, फिर इससे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 से बड़ी क्या है, यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 5। 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 6। 6 के बाद में देखिए फिर क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमने ये सारी संख्याओं को क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। तो देखिए, 3 संख्याओं को देखिए, एक एक करके हम संख्याओं को हटाएंगे। इधर से एक संख्या को हटा दो, इधर से भी एक को हटा दो, यहाँ से भी एक संख्या हटा दो, यहाँ से भी एक संख्या हटा दो, फिर यहाँ से भी, और फिर यहाँ से भी। जो बीच में जो संख्या बची है ये क्या है, यही हमारी क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, मध्यिका, ये हमारी मध्यिका यहाँ पर निकल कर आ गई है, क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 संख्याएं इधर से हटा दी, 3 संख्याएं इधर से हटा दी, जो बीच में बचा वो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 2 संख्या बच जाती तो हम कैसे निकालते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे कि 6 3 8 7 1
पांच, ठीक है। मान लीजिए ये छह संख्याएं आपको दी गई हैं, अब हम इसमें से मध्यिका को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले यहां पर एक आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक से बड़ी संख्या क्या है, यहां पर देखिए तीन है, तो ये आ जाएगा तीन। तीन से बड़ी संख्या क्या है, यहां पर देखिए पांच है, तो यहां पर आ जाएगा पांच, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक को भी लिख लिया, तीन को लिख लिया, पांच को लिख लिया। पांच से बड़ी संख्या क्या है, यहां पर छह है, तो ये आ जाएगा छह। छह से बड़ी संख्या क्या है, सात है, तो ये आ जाएगा सात। सात से बड़ी क्या है, आठ, तो ये आ जाएगा हमारा आठ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में इनको लिख लिया है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए एक संख्या इधर से हटाई, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से हटा दी, एक संख्या इधर से हटा दी। अब यहां पर देखिए दो संख्याएं बच गई हैं, अब यहां पर मध्यिका कैसे निकलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, पांच प्लस छह, ठीक है। और कितनी है, दो है, तो दो से आप यहां पर भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए पांच और छह कितना हो जाएगा, ग्यारह, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ग्यारह और बटे में आ जाएगा दो, ठीक है। तो यहां पर आप भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 5.5, ठीक है, 5.5 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पर संख्याएं सम रहें तो आपको इस तरीके से निकालना है, विषम रहें तो इस तरीके से निकालना, ठीक है। तो चलिए अब आप सीख चुके हैं कि मध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं, फिर बहुलक निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुलक के लिए भी मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, अब इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई इनको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुलक, ठीक है। बहुलक ये संख्या इनको लिख लेते हैं, क्या है देखिए पाँच, फिर इसके बाद में तीन है, फिर सात, फिर से सात है, ठीक है। फिर इसके बाद में छः है, फिर इसके बाद में दो है, फिर सात और फिर एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो संख्याएं हैं कौन सी संख्या कितनी बार हमें दी गई है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पांच है, तो ये पांच हम लिख लेते हैं। फिर यहां पर तीन है, तो तीन लिख लेते हैं। फिर यहां पर क्या है, सात है। फिर क्या है, छह है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, यहां पर दो है और फिर एक है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एक, ठीक। तो अब हमें ये लिखना है कि ये जो संख्या है ये कितनी बार हमें दी गई है, ठीक है। तो ये यहां पर हम उनका नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। यहां पर देखिए पांच कितनी बार है, तो यहां पर देखिए पांच जो है वो एक ही बार है, तो यहां पर हम लिख देंगे एक, ठीक है। इसके बाद में तीन देखिए कितनी बार है, तीन भी यहां पर एक ही बार है, तो यहां पर आ जाएगा एक, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर देखिए सात कितनी बार है, एक दो तीन, तीन बार है, तो यहां पर आ जाएगा तीन, ठीक है। फिर छह कितनी बार है, तो छह जो है वो भी एक ही बार है, ठीक है। और जो सात है वो तीन बार है, ठीक है। और यहाँ पर छह जो है वो एक बार है। और इसके बाद में यहाँ पर दो कितनी बार है, एक ही बार है। एक कितनी बार है, ये भी एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या ज़्यादा बार आई हो वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सात है वो क्या हो गया, हमारा बहुलक निकल कर आ चुका है, ठीक है। जो संख्या ज़्यादा बार आई हो वो हमारा क्या होती है, बहुलक होती है, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाए, छः तीन पाँच पाँच दो एक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखकर बता देंगे कि इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो है वो हमारा पाँच हो जाएगा, क्योंकि पाँच दो बार है, बाकी संख्याएं एक बार दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुलक को निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है परिसर, परिसर को किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी बहुत ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या है देखिए परिसर, परिसर क्या है देखिए, संख्याएँ दो चार छः तीन तीन चार सात और दो, ठीक है। तो ये संख्याएं हमें दी गई हैं जिनका हमें क्या करना है, परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें निकालना होता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, दो। फिर इसके बाद में एक और बार दो है, तो ये हो गया हमारा दो, ठीक है, दो दो हो गया। फिर इसके बाद में देखिए तीन तीन, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन तीन, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए चार भी दो बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा चार चार, ठीक है। तो ये चार हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है, छः है, ठीक है, तो ये आ गया छः। फिर इसके बाद में ये सात है, तो ये आ गया सात,
ठीक। तो यहां पर हमें यह देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है, यहां पर 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, हमारा परिसर होता है। ठीक, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, तो यहां पर बड़ी संख्या है 7 माइनस छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो इनको घटा दीजिए, 7 में से 2 जाएंगे तो हमारे यहां पर क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, और जो 5 है वो हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये समझ में आता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर को हम निकालते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।